हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानो सर। बेटा आज अपन स्टार्ट करेंगे मॉड्यूलर अरिथमेटिक के बारे में। मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या होता है, ये क्या नया कंसेप्ट है, ये सीखेंगे आज। देखो, इस तरीके का आपको एक इक्वेशन टाइप मिलेगा यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स। ये आपको कहीं पे भी अगर लिखा हुआ मिला तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स अपन निकाल सकते हैं। फर्स्ट मीनिंग जो इससे मैं क्रिएट कर सकता हूं वो ये है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। डिविजिबल वर्ड का मीनिंग होता है रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है। सेकेंड मीनिंग जो मैं इससे निकाल सकता हूं वो ये है, एम इज अ फैक्टर ऑफ ए माइनस बी। थर्ड मीनिंग जो मैं इससे निकाल सकता हूं वो है, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एम इंटू क्यू, वेयर क्यू इज एन इंटीजर, ठीक है। बी इधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा तो ए की वैल्यू आ गई एम क्यू प्लस बी। ये इसके पॉसिबल मीनिंग्स है। इसका मतलब ये है, बहुत बेसिक सा मीनिंग, कि आपने क्या करा, आपने ए और बी का सब्ट्रैक्शन करा और मॉडुलस m यानी कि m से उसको डिवाइड कर दिया। मतलब इन शॉर्ट, मैंने m से a को डिवाइड करा और जो फाइनल मेरा रिमाइंडर है वो क्या आया है, b आया है। m से मैंने a को डिवाइड करा, कोशेंट आया मान लो q, तो मेरा रिमाइंडर आया b। तो यहां पे मैं क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता हूं, a मेरा क्या है, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड ये सिंबल है मॉड्यूलर अरिथमेटिक का। इक्वल्स टू में मैं क्या लिखूंगा यहां पे, बी विच इज माय रिमाइंडर और ब्रैकेट में मॉड एम, तो मॉड एम का मतलब क्या हुआ, डिवाइजर, एम यानी कि डिवाइजर। डिविडेंड है मेरा ए, रिमाइंडर है मेरा बी और डिवाइजर क्या है मेरा एम। मॉड का मतलब क्या है कि आपने डिविजन परफॉर्म करा है, क्लियर, क्या परफॉर्म करा है, डिवीजन परफॉर्म करा है, क्लियर, इजी है। तो एक बार पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ अपने को बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, टी और एफ लिखना है, ठीक है। स्टार्ट करें फर्स्ट पार्ट से। अभी अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है, अगर कभी भी इस तरीके की इक्वेशन लिखी होती है तो इसका बड़ा इजी सा मीनिंग होता है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m। डिविजिबल का मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल, दैट इज रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो अब ये चीज अपन अप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले में, a माइनस बी करते हैं यहां, a माइनस बी तो 3 माइनस माइनस टू क्या निकलेगा, 5। 5 इज डिविजिबल बाय 5, कॉमन बात है, तो द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है, 110 और यहां 5 है, क्या आएगा ये 105। 105 5 से डिवाइड हो सकता है क्या, हो सकता है, 5 इंटू 21 करोगे तो 105 आएगा, 105 इज डिविजिबल बाय 5, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड, थर्ड क्या है, 25, ठीक है, माइनस 3 कितना हुआ, ये हुआ 22, 22 इज डिविजिबल बाय 11, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ क्या है, माइनस का 110 और माइनस का 5, तो माइनस का 110 माइनस माइनस 5 कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 105, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 105 इज डिविजिबल बाय 15, होता है कैसा, माइनस 105 डिविजिबल बाय 15 हो जाएगा, ये भी ट्रू है ना, कहां पे, 7 पे, तो माइनस 105 इज डिविजिबल बाय 15, 15 7 जा 105 होता है, तो ये भी ट्रू है। फिफ्थ पार्ट, 21 माइनस का 181 माइनस का 160, माइनस 160 इज डिविजिबल बाय 40, ये भी बिल्कुल सही है, 40 इंटू 4 करेंगे तो 160 आएगा, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, 39 12 मॉड 7, 39 में से 12 गया तो कितना आएगा, 27, 27 इज नॉट
डिविजिबल बाय 7, ठीक है, 7 4s are 28, 7 3s are 21, तो 27 तो आया ही नहीं, तो ये है फॉल्स, क्लियर। तो 6 में से 5 तो ट्रू है और एक अपना फॉल्स है, पॉज करो ट्राई करो, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो 14 172 मॉड एम, यानी कि 14 माइनस 172 जो भी वैल्यू आएगी इट इज डिविजिबल बाय एम। इफ एम लाइज बिटवीन 70 एंड 80 तो हमको एम की वैल्यू फाइंड करनी है 70 से 80 के बीच में। तो सेकेंड क्वेश्चन में 14 माइनस 172 करते हैं, ठीक है ना, तो कैसे करें सब्ट्रैक्ट, देखो 174 में से 14 गया तो ये आएगा 160, लेकिन ये 172 है तो दो और आप क्या करो कम कर दो, तो ये हो गया मेरा माइनस का 158, यानी कि ये हुआ m इज अ फैक्टर ऑफ माइनस 158। अब माइनस 158 के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे 2 भी इसका एक फैक्टर है, लेकिन मुझे वो फैक्टर बताना है जो 70 से 80 के बीच में लाए करेगा। तो इसका मतलब m इज अ फैक्टर ऑफ माइनस हटाओ तो एक ही बात है, पॉजिटिव का भी फैक्टर रहेगा। तो 158 को अगर अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 79, है ना, क्वोशेंट क्या आएगा 79, इसका क्वोशेंट आएगा। तो 79 158 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब 2 into 79 लिख सकते हैं 158 को 2 into 79, सो देयरफॉर एम की जो वैल्यू है वो क्या हो गई 79, विच लाइज बिटवीन 70 एंड 80। तो 79 वो फैक्टर है 158 का जो 70 से 80 के बीच में लाए करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 23 इक्विवेलेंट 29, तो अपन 23 माइनस 29 करते हैं तो ये आएगा माइनस का 6, इसका मतलब ये हुआ m इज अ फैक्टर ऑफ माइनस 6, यानी कि m इज अ फैक्टर ऑफ प्लस 6। तो पॉजिटिव 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव 6 के फैक्टर्स होते हैं 2, 3 और 6। अच्छा वैसे 1 भी तो फैक्टर होता है सारे नंबर्स का, लेकिन अपन मॉड्यूलर अरिथमेटिक में m हमेशा ग्रेटर देन 1 मानते हैं, ये रूल याद रखना आप, m हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, इसलिए आप 1 को कभी भी सेट में रिप्रेजेंट नहीं करोगे, ठीक है, इजी है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, 58 इक्विवेलेंट 4 मॉड 11। तो 58 का क्या करेंगे, 58 माइनस 4 करेंगे जो कितना हुआ 54 हुआ। तो m इज अ फैक्टर ऑफ 54, तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से काटेंगे 54 को तो ये आएगा 27, फिर 3 9, फिर 3 3, फिर 3 और 1, ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, किसकी हो गई 54 की। तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, क्या क्या फैक्टर्स आप बना सकते हो इसमें, 2 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है, 2 3 6 एक फैक्टर है, 2 into 3 into 3 कितना हुआ 3 3 9 9 2 18 एक फैक्टर है, 3 3 9 भी एक फैक्टर है। अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, 9 पहले लिख लेंगे 18 बाद में लिख लेंगे, और 3 into 3 into 3 27 भी खुद एक फैक्टर है, और ऑब्वियसली 54 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सारे नंबर्स लिखेंगे एक्सेप्ट 1 कभी नहीं लिखेंगे बिकॉज m इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है 21 इक्विवेलेंट 181, तो 21 माइनस का 181 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 160। तो m इज अ फैक्टर ऑफ माइनस 160, इसका मतलब m इज अ फैक्टर ऑफ पॉजिटिव 160 ऑल्सो। तो 160 की अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसमें जितने फैक्टर्स अपन बना सकते हैं वो बनाना चालू कर देंगे। तो 160 में 2 से काटेंगे 80, फिर 2 से 40, फिर 20, फिर 10, फिर 2 और ये 5 और फिर 5 और ये 1। तो अब आपके कितनी वैल्यूज आई m की पॉसिबल वैल्यूज,
सबसे पहले तो एक टू, फिर दो टू का प्रोडक्ट एट, फोर, फिर एक फाइव, फिर तीन टू का प्रोडक्ट एट, फिर फाइव टू जा टेन, फिर चार टू अगर अपन ले लेते हैं तो ये हो जाता है 16, ठीक है। अच्छा, 5 × 2 × 2 ये हो जाता है 20 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी आप पेयर करके वैल्यूज को क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारी m की वैल्यूज है, यानी कि ये सारी वैल्यूज है जो 160 के क्या है, फैक्टर। जैसे इसमें 40 भी आएगा, इसमें 80 भी आएगा, ठीक है ना, इसमें 160 खुद भी आएगा। तो ऐसे बहुत सारी पेयरिंग कर सकते हैं अपन। क्लियर, इजी है। तो ये है अपना थर्ड पार्ट, पॉज करो और ट्राई करो। फोर्थ क्वेश्चन, 100 इक्विवेलेंट x मॉड 7। इसका मतलब ये हुआ 100 माइनस x इज डिविजिबल बाय 7, यानी कि आपने जब 100 माइनस x को 7 से डिवाइड करा तो आपका जो है एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ, एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, जीरो। अब आप सोचो, आप 100 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, सबसे छोटी वैल्यू। देखो लिखा है ना, x इज लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, x की ऐसी सबसे छोटी वैल्यू क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव वो भी, जिससे कि 7 से डिविजिबल हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। 100 माइनस 1 99 नहीं है डिविजिबल, 100 माइनस 2 98, ऑब्वियसली 98 इज डिविजिबल बाय 7, 98 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो अपन यहां क्या लिखेंगे, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x क्या है, 2, सिंस 100 माइनस 2 विच इज 98 इज डिविजिबल बाय 7। जब आप 98 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका एग्जैक्टली रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, ठीक है। 14 क्वेश्चन आ जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो। पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस 1 इक्विवेलेंट 2 की पावर 8 और मॉड यहां पे है किस पे, 7, मतलब मॉड 7। तो आप यहां पे जो डिवाइजर है वो किसे मान रहे हो, 7 को मान रहे हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको x की सेट ऑफ वैल्यूज बतानी है, x की सेट ऑफ वैल्यूज बतानी है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 1 माइनस 2 की पावर 8 इज डिविजिबल बाय 7, यही लिख सकता हूं भाई। अब भाई 2 की पावर 8 क्या होता है, जैसे 2 की पावर 10 होता है 1024, तो 9 हुआ 512, तो 8 हुआ अपना 256, यानी कि x प्लस 1 माइनस 256 इज डिविजिबल बाय 7, x माइनस 255 इज डिविजिबल बाय 7। मतलब जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि वो जो क्वेश्चन है वो क्या है, q है, और ऑब्वियसली q किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को। इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब होते हैं, लेकिन जीरो नहीं होता है इंटीजर, मतलब फ्रैक्शन कभी नहीं आता है इंटीजर में। ये चीज इधर जाके ऐड हो जाएगी, तो ये हो गया 7q प्लस 255। अब यार x, यहां पे जो x है वो q पे डिपेंड करता है, और q एक इंटीजर है, इंटीजर की तो कोई लिमिट ही नहीं होती, इंटीजर तो नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक चलते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे आप q की वैल्यू को चेंज करते जाओगे, उस अकॉर्डिंग x की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ वैल्यूज का सेट बना के लिख सकता हूं, ठीक है ना। क्या सेट बन सकता है, जैसे एक टेबल बना लेते हैं अपन। q की वैल्यू लेते हैं अपन −2 −1 0 1 और 2 एंड सो ऑन, ऐसे। तो उस अकॉर्डिंग मेरी x की वैल्यूज क्या निकलेगी, देखो जीरो पे 255, 1 पुट करो तो 7 × 7 = 255, में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, ऐड करा तो 262 और ऐड करा तो 262, 7 में 7 और ऐड करा तो कितना हो जाएगा 269, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर 7 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 248, ठीक है। 7 और कम कर दिया तो 241। तो ये मेरी x की बहुत सारी सेट ऑफ वैल्यूज बन जाएगी। अब मैं यहां पे इस पे सेट का सिंबल लगा के इसको एज अ फॉर्म ऑफ आंसर रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। आ गया समझ में, क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिटेल डिस्कशन करा अपन ने, है ना, एक एक चीज को समझा है। अब आगे देखो,
28 इक्विवेलेंट x मॉड 6, यानी कि 28 माइनस 6, 28 माइनस x इज डिविजिबल बाय 6, 28 माइनस x इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो यहां पे 28 माइनस x इज डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब ये हुआ 28 माइनस x इज इक्वल टू 6 क्यू, वेयर क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अगर मैं शिफ्टिंग कर देता हूं तो x की वैल्यू क्या निकली, x की वैल्यू निकली 28 माइनस 6 क्यू। अब x किस पे डिपेंड कर रहा है, q पे, q की वैल्यू, उसकी कोई लिमिट है क्या, नहीं, इंटीजर तो लिमिटलेस होते हैं। तो मैं q की क्या करूंगा, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज लूंगा जो जस्ट मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में ली थी, और उन वैल्यूज पे मैं मेरे x की वैल्यूज को निकाल के शो कर दूंगा। तो x का मेरा क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा, ये मेरी x की सेट ऑफ वैल्यूज बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने 0 लिया तो आंसर आएगा 28, फिर अगर मैं 1 लूंगा तो 28 में से 6 गया 22, 28 में से 14 गया तो कितना आ जाएगा, अच्छा 12, 6 2 जा 12, 28 माइनस 12 कितना हो गया, ये हो गया मेरा 28 माइनस 12, तो ये हो जाएगा अपना 16, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे कंटिन्यूसली, 28 ये इसमें यहाँ पे 12 पुट करें, 2 पुट करेंगे तो 28 माइनस 12 कितना हुआ 16। ऐसे ही अपन अब नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज में माइनस 1 डालोगे, 28 माइनस माइनस प्लस का 6 तो ये जाएगा 34, 7 और बढ़ा दो माइनस 2 डालने पे तो ये हो जाए, मतलब 6 और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा ये 40। तो ये अपनी क्या बन गई, x की सेट ऑफ वैल्यूज, बस ये ऑब्वियसली डिक्रीजिंग वैल्यूज इधर है तो आप डिक्रीजिंग वैल्यूज को पहले लिखोगे और इंक्रीजिंग को बाद में, तो ये अपनी x की पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करना है, x स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, यही तो करना होता है इसको प्रूफ, इसको ऐसे ही तो बोला जाता है, x स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है, ये इसको रीड करने का तरीका है। फॉर x ऑड पॉजिटिव इंटीजर, x एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है ना। मैं एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर को यह भी लिख सकता हूं, मैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर को यह भी लिख सकता हूं, और फिर मैं 8 के अकॉर्डिंग भी लिख सकता हूं, क्लियर। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस ये प्रूफ करना है कि अगर मैंने x को ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो x स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा। तो एक काम करते हैं, इस पे चेक करते हैं 4 के साथ, ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, ये हमको प्रूफ करना है फॉर x बीइंग एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल्स टू 4p प्लस 1, तो इसको अप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 4p प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, 16p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 1 माइनस 1, 8 कॉमन ले लो, 2p स्क्वायर प्लस p, हो गया डिविजिबल प्रूफ, आ गया 8 कॉमन। सिमिलरली आप किसके लिए कर सकते हो ये चीज, x की यहां पे 1 की जगह 3 लेके, लेट x इज इक्वल्स टू 4p प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 4p प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 16p स्क्वायर, 4 3 12, 12 का डबल 24p प्लस 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 8, 8 को मैं निकाल लूंगा कॉमन, 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1, दोनों केसेस में डिविजिबल प्रूव हो गया। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो पॉज करो और ट्राई करो। देखो आज का वीडियो बहुत बेसिक लेवल का था, मॉड्यूलर अरिथमेटिक पे बेस्ड, जिसमें अपन ने इसका मीनिंग सीखा और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करा। कोई डाउट है आप आज की वीडियो को दोबारा देखो। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी टॉपिक को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, जिसमें पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्यूरेंसीज, और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ कॉपी नहीं करना है, चीजों को दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करना है, और कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखना है। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।